ओके गाइस, सो वेलकम टू टुडेज वीडियो एंड होप सो दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी देखना। पहले हम पीपीआर डिस्कस करेंगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे एक न्यूज़ आई है वो, फिर वैक्सीनेशन एंड सम अपडेट रिलेटेड टू ट्रैवल एंड केसेस ऑफ कोविड आफ्टर दैट। सो बहुत दिनों के बाद पीपीआर आई है और उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट कहते हैं ना कि बहुत टाइम बाद एक अच्छी सी हमें पीपीआर देखने को मिली है, जो कि बहुत टाइम बाद आई है, जैसे कि अगस्त की, मतलब 2025 की। सो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो आप अभी स्क्रीन पे एक पीपीआर देख रहे हो, ये मेरे साथ एक हमारे फ्रेंड ने शेयर की है, उनकी फ्रेंड को पीपीआर आई है। जैसा आप देख सकते हो कि मार्च 15 को उन्होंने फाइल लगाई थी और उनका मे 17 यानी कि कल इनकी आएगी पीपीआर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन इनको भी। सॉरी, फिर ये जो दूसरी है ये इनको आज मतलब पर्सनली उन्होंने ही मेरे साथ शेयर की है। फेब 28 की फाइल थी इनकी और उनको मे 18 को यानी कि आज उनको 1247 को आ गई। सो इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर अभी आप जो दूसरी देख रहे हो ये लास्ट है, तीन ही है, लेकिन तीन भी बहुत अच्छी बात है यार, इतने टाइम के बाद आई है। सो स्क्रीन पे देख सकते हो कि 5th अगस्त को उन्होंने फाइल लगाई थी और उनका आज यानी कि 17th मई को उनको पीपीआर आ गई उनकी। सो इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। ये बहुत अच्छी बात है कि अगस्त 5th की आई है। सो आई जस्ट मतलब मुझे अच्छी लगी। और ये एक जो कहते हैं ना आर्टिकल की ट्वीट बहुत घूम रही थी, टॉप फेडरल ऑफिशियल अर्ग्स डॉग फॉर टू लिसन टू हिज हेल्थ एक्सपर्ट्स। तो इसमें मैंने नीचे देखा तो ही एडेड दैट द प्रोविंसेस हैज सीरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कोविड-19 बट सजेस्टेड दैट रिसेंट केसेस आर रिलेटेड टू वर्क प्लेस एंड सोशल गैदरिंग्स नॉट इंटरनेशनल ट्रैवल। सो यार हमारे तरफ थोड़ा मीडिया भी उनकी हेल्प कर रही है हमारी। सो इट्स गुड न्यूज़ यार, ये भी एक। फिर एक वैक्सीनेशन की भी अपडेट है कि कैनेडा को 4.5 मिलियन डोजेज मिल जाएगी अराउंड नेक्स्ट वीक तक। आप देख सकते हो फाइजर एंड बायोटेक हैड बीन स्केड्यूल टू डिलीवर अराउंड 2 मिलियन डोसेज दिस वीक एज देयर वैक्सीन कंटिन्यू टू फ्लो इन टू कैनेडा ऑन अ रेगुलर बेसिस आफ्टर अर्ली हिकअप्स इन फेब्रुआरी एंड मार्च। सो बट द फेडरल गवर्नमेंट सेज द टू कंपनीज विल शिप एन एडिशनल 1.4 मिलियन शॉट्स विच वेर ओरिजिनली स्लेटेड टू लैंड नेक्स्ट वीक बट आर नाउ एक्सपेक्टेड टू अराइव बिफोर अपकमिंग हॉलीडे वीकेंड। सो ये बहुत अच्छी बात है। कैसे, मैं आपको कहता हूँ कि जितनी अमाउंट में वैक्सीनेशन बढ़ेगी इट विल बी बेनिफिटेड टू अस। सो ये बहुत अच्छी बात है कि जितनी अमाउंट में ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन उनकी वैक्सीनेशन होगी, वैक्सीनेट होगी, उतनी हर्ड इम्यूनिटी उनकी भी बिल्ट होगी एंड दे विल ट्राई टू ओपन द बॉर्डर्स एज सून एज पॉसिबल। सो अभी हम आते हैं हमारे केसेस पे। तो जो कल इंडिया में केसेस आए थे आए थे वो थे अराउंड 2,63,000 केसेज आए हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि कंसिक्यूटिवली कल भी कम केसेज आए, सो 3 लाख से नीचे। उसके पहले आए थे 2 डेज अगो 2,81,000 आए थे। फिर अगर हम देखें कैनेडा के केसेस, तो कैनेडा में कल आए थे 5,526 और 2 दिन पहले उनके आए थे 4,901। सो बहुत अच्छी बात है कि यार कम केसेस हुए हैं। इंडिया में भी 3 लाख से कम आए, उधर भी इतने कम आए। सो जैसे आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पे कनाडा में तो एवरेज 5000 के ऊपर चल रही है, 5000 से लेके 6000 के बीच में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लास्टली मैं आपको देना चाहूँगा, एक मेल मेरे साथ एक फ्रेंड ने शेयर की थी कि इट इज़ गुड टू नो दैट यू वेर एबल टू कंप्लीट एन अपफ्रंट मेडिकल एग्जाम, दिस विल हेल्प स्पीड अप द प्रोसेसिंग ऑफ योर स्टडी परमिट, हाउएवर द VAC बायोमेट्रिक कलेक्शन स्लाइड क्लोजर टू यू मे कॉज डिलेज। The good news is that we have heard from the High Commission in India that a completed application includes all the items on the document checklist and medical exam result but does not include biometrics. Therefore, there may be still a good chance that your study permit may be approved by August 6th, even with a delay in a biometrics. I would recommend that you continue to monitor following link. So, इसका मतलब यही है कि अगर आपका बायोमेट्रिक्स नहीं हुआ है और आपका मेडिकल ओके, आपने फाइल लगा दी है, तो डोंट वरी, दे कैन प्रोसेस ये फाइल, मतलब दे कैन गिव, अभी भी उनको चांसेस लगते हैं कि अगस्त 6 पहले आ ही जाएगा। और मेरे को भी लगता है कि केसेस इंडिया में भी कम हुए तो इस मंथ के एंड तक या तो नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में तो उनको VACs फिर से रीओपन करेंगे ही वो लोग। सो होप फॉर द बेस्ट। और यही थी आज की ये छोटी सी वीडियो, मैंने आप सबको जो भी अपडेट्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और साथ ही साथ कल ऑन्टेरियो में कितने केसेस आए वो मैं आपको कह देता हूँ। ऑन्टेरियो में आए थे केसेस अराउंड 2,200 केसेस आए थे, 2,000 के मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट इसमें नहीं है लेकिन मैं वो ऐड कर दूँगा।
सो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो में। तब तक आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग 77% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपने नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट। और दैट्स ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी तो नीचे कमेंट में डाल दीजिए। एंड इफ़ यू आर विशिंग टू कनेक्ट विथ मी देन यू कैन बुक मी 1-to-1 ऑनलाइन काउंसलिंग, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। सो इसी के साथ समाप्त करते आज का ये वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ and stay healthy, stay positive, and that's all. Thanks for watching, and I hope it helps. No, I'ma be the one they choose, though. You gon' be the one they lose, though. Way too busy and snooze, bro. I'ma be the one to rise up in it. Never gonna fall, I fight till I get it. Always stand tall, got pride, I'm grinning. I don't really think I'll ever find my limit. And I know that they all wanna hate me, but they see me on the climb, so they wait, see. If I make it, then they just might say.